प्रायः भन्नु पर्यो दुई महिना तिन महिना भने उहाँ त पहाडमा आउनुहुन्छ, पहाडको मानिसलाई हामीलाई मन माया गर्नुहुन्छ। जबकि हामीले 34 वर्षसम्म पनि कोही बङ्गालको मन्त्रीहरू आउँदैन थियो, मुख्यमन्त्रीको त कुरै नगरौँ, कहिले पनि हामीलाई पहाडलाई हामीलाई राम्रो नजरले हेर्दैन थियो, सानो नजरले हेर्थ्यो भने आज 2011 कन्टिन्यू पहाडलाई माया गरेर हामी राज्यको मुख्यमन्त्री यसरी आउनुभएर धेरै कुरो हामीले नमाग्दा पनि हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो दिएको कुराहरू तपाईँलाई सबै कुरो थाहा छ। आज हेर्नुहोस् हाम्रो खरसाङमा मेडिकल कलेज पनि हुँदैछ भने प्रेसिडेन्सीको एउटा हब, प्रेसिडेन्सी कलेज, प्रेसिडेन्सी युनिभर्सिटीको एउटा सेक्सन पनि यहाँ बनिँदैछ, जो आज हाम्रा मुख्य अतिथि आउनुभएको छ, मन्त्री महोदय आउनुभएको छ, उहाँ पनि जानुहुन्छ भिजिट गर्नु। र आजको यो एउटा इन्टरेक्सन मात्रै हो, यो हाम्रो राजनीतिक कार्यक्रम होइन र तपाईँहरूले अन्यथा नलिनुहोस्। तर अब एउटा पार्टीको दायित्व भएकोले गर्दाखेरि हामीले एउटा पार्टीको तर्फबाट एउटा अर्गनाइज गरेको हो, यो राजनीतिक कार्यक्रम होइन। आज तपाईँहरूसँग हाम्रो यहाँनिर भेटघाट समारोहमा आफ्नो बहुमूल्य समय लिएर आउनुभएका पश्चिम बङ्गाल सरकारका सम्माननीय मन्त्री श्री अरुण विश्वासज्यू, साथसाथै उहाँसँग सिलगढी अनि अन्य क्षेत्रबाट आउनुभएका तृणमूल कङ्ग्रेसका नेतृत्ववृन्द, तृणमूल कङ्ग्रेसका अध्यक्ष सत्य दाजु विधायक, राज्यसभाका सम्माननीय सांसद श्री साथसाथै यस भेटघाट समारोहलाई भरे बेलुकी अनि भोलिसम्म अन्य जनासम्म प्रचार र प्रसार गर्नको निम्ति आउनुभएका मिडियाका भाइहरू, बहिनीहरू, विशेष अघि म यहाँ पस्दा मात्रै सबैको अनुहारहरू हेर्ने धेरैजना खुसी देखियो, कतिजनाको अनुहारमा उज्यालो आएको पनि देखिन, दसैँ तिहारको सम्पूर्ण पहाडका तृणमूल कङ्ग्रेसका नेतृत्वहरू, मेरै पार्टीका नेतृत्वहरू र अन्य राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूलाई पनि म आन्तरिक हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कारण पहाडमा हामीले अहिलेसम्मको सरकार, राजनीतिक सरकार यही देख्यौँ, कुनै कमजोर दललाई बलियो दलले ढुङ्गाइकाउने संस्कार देखियो, कुनै कमजोर दललाई बलियो दलले घर दलाउने संस्कार पनि देखियो, बजारबाट फर्किएको व्यक्तिलाई घरमा बाटोमा ढुकिएर हिर्काएको संस्कार पनि, राजनीतिक संस्कार पनि देखियो, धेरैजनालाई विभ्रत गरेको संस्कार पनि देखियो। तर यो एक वर्षको अवधिमा तपाईँ हाम्रो विचारधारामा परिवर्तन भएकोले गर्दा, सोचमा परिवर्तन भएकोले गर्दा एक वर्ष अवधिमा कुनै पनि थानामा यस्ता सङ्गीत आरोपका आरोपहरू दर्ता भएको पाएनौँ। केही दिन अगाडि म एउटा समाचारले दुखित भएँ, दार्जिलिङमा चुङचुङ चियाबारीमा भाइ आनन्द मुखियाको हत्या गरियो, हत्या भयो दसैँमा नै। हल त त्यो हत्या राजनीतिक हत्या त थिएन, तथापि चाहे कुनै पनि परिवेशमा या जुनै पनि स्थितिमा या जुनै पनि कुनै प्रकारको हत्या पनि हामी विरोध जनाउँछौँ,
अनि यो हत्याको हत्यारालाई अझसम्म चिन्हित गरिएको छैन अनि पक्राउ भएको छैन. यसको निम्ति पनि मैले उत्तस्थ पदस्थ पुलिस अधिकारीहरूलाई हत्यारालाई सारभन्दा चाँडो पक्राउ गर्ने अनि ती परिवारलाई न्याय दिलाउने निम्ति मैले अगावै अगाडि गरिसकेको छु. र यो एउटा दुःखद घटना भए. यो वर्षभरि कुनै त्यस्ता घटनाहरू घटेनन्. यसको निम्ति यसको श्रेय हजुरहरू सबैलाई अनि सम्पूर्ण पहाडवासीलाई जान्छ. हामीले एउटा स्वच्छ संस्कार तयार पारेर आउने भावी पिँढीलाई पनि हामीले मार्गदर्शन गर्ने तपाईँ हाम्रो हातमा एउटा जिम्मेवारी आएको छ. र अर्को कुरो धेरै लामो बोल्न चाहन्न अघि मन्त्री अलिक मिश्रज्यूले मलाई भन्नुहुँदै थियो म ज्यादै बोल्छस् एक घन्टा त जान्छु होला भन्दै थियो. म एक घन्टा त भन्दिनँ, म 15-20 मिनटले जान्छु होला किनभने तपाईँलाई पनि हतार छ. त्यसले गर्दाखेरि म ज्यादा बोल्न चाहन्न भने अर्को कुरो एक वर्ष सम्बन्धमा आज जस्तो मौका मैले पाइनँ. जो पनि मेरो घरमा आउने गर्छन् या अफिसमा आउने गर्छन् मलाई बुझाउनु झिलाउनु आउँछन् केही कुरो माग्नु आउँछ. तर आज मभन्दा पनि माथिको आग्रह गर्दाखेरि आज चाहिँ म पहाडको तर्फबाट अरू विश्वास दिउँलाई अनि मति मनी तर घरलाई माग्ने मेरो सु अवसर मैले पाएँ. पहाडमा पश्चिम बङ्गाल सरकारको सहयोगमा उहाँको आशीर्वादले आजभन्दा अगाडि नभएको विकासमूलक कार्यहरू भइरहेको छ. तथापि यदि विभिन्न समस्याहरूले ग्रसित यो पहाडमा अझै यसलाई सघाउनको निम्ति हामीलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारको आशीर्वाद अनि सहयोग चाहिन्छ. साँच्चै नै पहाड हाँस्नु हो भने हाँसेको हेर्नु हो भने यी हाम्रो पहाडवासीको बुनियादी असुविस्ताहरू साथसाथै गाउँघरका समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति जिटिए पश्चिम बङ्गाल सरकार यहाँका विधायकहरू सांसद उहाँ सांसद दिदीदिदी हामी सबै तपाईँहरू हामी सबै मिलेर गर्न आवश्यक छ. र विशेष गरेर अरूका दुई तिनवटा डिपार्टमेन्टमध्ये यहाँनिर तपाईँले देख्नु हुँदैछ निलो कोटमा पहिलो धक्का भएको हाम्रो अग्रज दाजुहरू भाइ रहनु भएको छ. उहाँहरू प्रत्येक स्पोर्ट्स एसोसिएसनका हुनुहुन्छ. तपाईँहरूलाई उहाँहरू के भन्न चाहन्छु भने बेसी चिज त मान्दिनँ म उहाँहरू. यी तल सिलगढीमा जाँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलको निम्ति कञ्चनजङ्घा स्टेडियम निर्माण गरिएको छ. तर पहाडमा भने जस्तो स्टेडियम हामीले पाउँदैनौँ. एक समय ब्रिगेड अफ पोखराज दोस्रो टुर्नामेन्ट हुँदाखेरि सेन्ट जोसेफ स्कुल ग्राउन्डमा खेलाइन्थ्यो, अर्काको प्राइभेट प्रपर्टीमा खेलाइन्थ्यो. आज हामीले कुनै एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको फुटबल या कुनै खेल खेलाउन परे हामीलाई मैदानको या स्टेडियमको जरुरत छ. र म चाहन्छु अरूद्वारे अवश्य यो कुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने. र विशेष गरेर प्रत्येक मिनेट
दार्जिलिङ सुकुना अनि सालुगडामा तपाईले यो स्टेडियम निर्माण एकैपल्ट चार पाँच वर्ष त हुँदैन होला मैले अब मौका पाएँ राखिदिइहालेँ एकैपल्ट गर्दै भए पनि जाँदा हुन्छ तर अब मलाई भेट्न आउँदाखेरि दसवटा समस्या ल्याउँछु भेटेको बेलामा दसवटा बोलेर जाने त्यसै भएर मैले पनि आज तपाईँलाई भनिहालेको यो गरिदिनुहोस् विशेष गरेर म अरू दादालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि केही महिना अगाडि सुकुनामा त्यहाँ एउटा बोर्डको टुर्नामेन्ट लागेको थियो अनि आयोजक समितिले मलाई उहाँको कतिवटा आर्थिक सहयोगको निम्ति अनुदानको निम्ति सरकारलाई लेखिएको थियो अनि सो पत्र अनि उहाँले दिएको खर्च आदिको कुरोहरू मैले अरूद्वारालाई मैले बुझाइदिएको थिएँ र तपाईँहरूलाई सुकुनाको आयोजक समितिलाई म अग्रिम धन्यवाद दिन चाहन्छु केही दिनभित्र तपाईँको अकाउन्टमा त्यो चेक पस्दैछ साथसाथै अस्ति मात्र कर्स्याङ कालिम्पोङ मिरिक अनि सुकुनाका स्पोर्ट्स एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा अन्डर 18 वर्ल्ड कप टुर्नामेन्ट खेलाइएको थियो जसको फाइनल खेला कालिम्पोङको मेला ग्राउन्डमा भएको थियो यसको निम्ति पनि उहाँले दिएको याददाश पत्र या मेमोरेन्डम अनि बजेट मैले अरू विश्वासज्यूलाई दिएको थिएँ र उहाँले अघि भन्नुभयो यो पनि पास भएको छ उहाँको मुखबाट सुन्नु अति राम्रो हुन्छ तर अनि मैले चान्स भएको पास भएन उहाँले सफाइ भन्नुभन्दा अगाडि मैले चौपाइ खेलिहालेँ अर्को कुरो तपाईँहरूलाई जानकारी म दिन चाहन्छु आगामी 2 डिसेम्बरदेखि ब्रिगेड गोर्खा सेना टुर्नामेन्ट त हामी खेलाउन सक्दैनौँ यो प्रयास गर्दा पनि भएन आइएफएफको क्यालेन्डरमा हाम्रो यहाँको एसोसिएसनहरू एफिलिएटेड छैन तथापि मैले एउटा सोच राखेँ र अन्डर 18 वर्ल्ड कप खेलाउँदाखेरि उहाँले खेलाएको कुरोहरूलाई मैले हेरेँ उहाँहरूले सक्षम हुनुहुन्छ उहाँहरू र उहाँहरूलाई मैले एउटा जिम्मा दिएँ कि आगामी 2 डिसेम्बरदेखि सायद तेस्रो 7 डिसेम्बरभित्रमासम्ममा हामी खेलाउँछौँ सालुगडा सुकुना कर्स्याङ मङ्पू दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङमा जिटिए वर्ल्ड कप टुर्नामेन्ट खेलाउँदैछौँ अनि त्यसमा पहाडको टिमहरूलाई सबैलाई हामी मौका दिँदैनौँ उनीहरूले छनौ प्रिमियरली राउन्डको खेला खेल्नुपर्छ अनि बेस्ट 4 टिम्सलाई 4 टिमलाई हामी त्यो फिक्चरमा हाल्दैछौँ दस पश्चात बाहिरको टिम अहिलेसम्म 8 टिमले आउने भइसकेको छ उहाँले स्वीकृति दिइसकेका छन् साथसाथै म अरू विश्वास दाजुलाई यही भन्न चाहन्छु कलकत्ताको बेस्ट अफ द बेस्ट टिम तपाईँले कमसेकम 4 पठाइदिनुहोस् ताकि हामी 5 जस्तो पठाइयो भने हामीलाई यहाँ राम्रो हुन्छ अनि प्राइस पनि राम्रो छ वर्ल्ड कप भनेपछि वर्ल्ड कपै हुन्छ त्यहाँ 4 सुम्ती हाल्दै सुम्ती हाल्नु सकेको छैन वर्ल्ड कपको अनि वर्ल्ड कपको उचाइ 3 फिट 8 इन्चीको रहेको छ हामी एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी देखाउन चाहन्छौँ अनि हामी अन्यलाई पनि प्रमाण गर्न चाहन्छौँ कि दार्जिलिङ पहाडमा पनि हामी यो स्तरको खेल खेलाउन हामी सक्षम छौँ र तपाईँहरूको सहयोग तपाईँको आशीर्वाद हामीलाई चाहिन्छ र तपाईँहरूले पनि यसमा सहयोग पुऱ्याइदिनुहोस् यसको एकदमै हामीले ठुलो प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ अरू बलदेखि अन्य जग्गाबाट पनि टिम आउन सकोस् र हामी विभिन्न जग्गामा खेलाको मतलब चाहिँ त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि त्यसको मनोरञ्जनको फाइदा उठाओस् जग्गा जग्गामा आउँछ अनि अस्ति मात्र आयोजक समितिले मलाई आएर भन्नुभयो कसैमा भने जस्तो ग्राउन्ड छैन मन्टु भेटमा खेलाउनु सकिँदैन
तपाईले आर्मी को चाँदबारी ग्राउंड को परमिशन मांगी थी तो उन्होंने वन्नो आते वाले ब्रिगेडियर वहाँ को ये लातुं भावन भागो इलावा वहाँ तार पांच तारीख में पंजराओं पता थी मुझे ब्रिगेडियर वहाँ समा गवर्नर समझे बात वाला थे तीनों का मैच चला कि चाँदबारी ग्राउंड वाले परमिशन दिए आदि भुगतान वाले ग्राम तमारा दिन सर तो तीनों लोग मेरे मेहर बंदे तीनों लोग तमारे तीनों लोग भी देखा हूँ सपनों उनसर तो बीस कुलम मारता है ना फिर क्योंकि दादू जो भामू जैसे तो दादा के लिए बड़ा बोल मोड़ तो मुझे बड़ा बोल सब की रहा है तो इन्होंने असी दो से लेकर छूट बनाए बने कर बच्चा दोनों मित्र समिति प्रधान करो दीपावली को अक्रिम सुरक्षा सेकाम नतमाय आए डॉक्टरों ने कहा जो अन्य मंच मार्चिंग सभी व्यक्तियों के लिए ये छाल ग्राम देगा सभी सभी लाइन मुंबई का अपने डॉक्टरों से फिर वो क्या बीच बोलने का पाया वो समय क्या रफाली ना कि अगर ये आंदोलन जीवन जीने बोल रहा था अली थोड़े बैठ पा हनुमान का मुंजा वहाँ वो छुपी पसंद हनुमान ने पसंद आई तकिये से बोलते हैं मैं मेरे पास आ गया था ना वास्ता प्राग हनुमान के पास आ गया रफ्तार का मुंजा यहाँ से रात सुबह तो परिस्थिति माहौल ऐसे धीरे से बात सुनना हम सभी दिल को आशा बात में सुनने मानते हैं हम बोल का जाती दिल ले सुनते हूँ और एक उड़ी पढ़ाते हूँ और भीमा लड़ी पढ़ाते हैं बस ये सियासी दिन को बता हो अब जो लोग बैठे हों देरे सौर को बोले आने जाएं बस तो सौर को अभी तो मतलब हमने पार होने की पढ़ाई हो पर सियानों का ये डॉट नहीं है बरतानी और टीम भी जाने डॉट का यार पुजो का आज हम लोग मातम जो मॉल आए हो हम लोग और संसार पॉलिटिकल संसार चेंज हो रहा है सब होती हो और सामने परसेंट बाजी नहीं धीरे ही सही कर रही हूँ मॉल टीपा ना परसेंट बाजी धीरे ही योगदान से हम लोग बिजनेस कम्युनिटी स्कूल का टीचर शिक्षा कर्म हमने म्युनिसिपैलिटी का सभी एमएलए की चेयरमैन कमिश्नर रूम सब है हम लोग यहाँ सोच पास हूँ देखिए हम लोग साथ ही हो सभी सभी पार बाजी है ये पूछ रहे हो भागो सो आगे में जिम्मा पड़ी हम जो संसार लाई बरकरार रखते पार्टी बंदा पड़ी हम लोग जगह को मायने रहो ये तो पार्टी का आंसर जानसर पर हम लोग जगह हम ये की ये रह जानु बरसर पर जो पर हम ही बंदा व्यक्ति को जान पड़ी भाई और आंसर वहाँ का हम ये अब वहाँ को जब मां निपुण बरसर हम ही खेलते हैं मुताबा बने पता अब क्या है बोल बोल सब बंदे मेरे श्याम भक्त को ये से गति मैं भन्नु पर्ने कुरा जो सायद विनय सर अलिक जुरे पूर्ण रूपले भनिरहनु हो तर मैले आज यस मञ्चभित्र बसेर के अनुभव गरेँ भन्दाखेरि मेरो 30 वर्षको राजनीतिक जीवनमा सर्वप्रथम आज म देख्दैछु दुईटा खोला एउटा भएर बगेको र हमें जो चाहे मेरे राजनीतिक जीवन में मैं ये सब देखे को थी कि यो सब भावना ऐसे यो खर्चां को कमेंट जीवन में उन सब है ना तो ऐसे हमें आज वो राजनीति देखी छुट्टी रहा आज हमें समस्त प्रश्न बाजी एक बड़े को मान बोल रहे थे तो इसको नीचे वो हम लोग पार्टी को पारे पर पारो साथे यहाँ पर हम लोग उपाध्यक्ष अनिल सर कार्य हमें दिखे को चेयरमैन जुलाई मध्य राज्य ने काम किया रा जैसे ये पहाड़ में दूर किसी को आग भरे बनी हो जो आग लाई शांति बनाऊं को नहीं कि दूर किसी को हम लोग जीते को और ऐसे उपाध्यक्ष दूर किसी को प्रयास करने को रा आज बहने रो इसलिए ये वाले बंदा मां बसेरा इसलिए
हाम्रो दुःख बाँच्न पाइरहेको छौँ, यसको निम्ति पनि उहाँहरू हो। तर हाम्रो पार्टीको तर्फबाट साथै पश्चिम बङ्गाल सरकारको तर्फबाट अरू विश्वासको तर्फबाट उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अघि यहाँनिर हाम्रो बिजेपीको चेयरम्यानले भनिहाल्नु भएको र हामीले माग्नु पर्दैन, दिनेहरू जितेको चेयरम्यान पनि यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो अरू विश्वास मन्त्री मण्डल पनि यहाँ हुनुहुन्छ। आज जे छ हामीले पुरस्कार रूपमा माग्नुपर्छ, आज जे छ हामीले उहाँहरूलाई पुरस्कार रूपमा माग्नुपर्छ। र आज म दार्जिलिङ हेरिटेज अध्यक्षको हैसियतमा हाम्रो अरू विश्वास मन्त्री सायद तिरुपति मिनिस्टर पनि हुनुहुन्छ र उहाँ एउटा स्पोर्ट्सको मिनिस्टर पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई म सम्पूर्ण पहाडको तर्फबाट यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि प्रत्येक सबै जुन तपाईँले एक एकवटा स्टेडियम बनाइदिएको हुनुहुन्छ बनाइदिनु भयो भनेदेखि पहाडको हाम्रो अर्को पिछे गर्दै जाउँला। कतिवटा कुरो हाम्रो आर्थिक समस्याहरू हुन्छ, जे जस्तो हामीले जसै एउटा दुःखसँग भए पनि सुखको साथमा बिताउन सक्यौँ र त्योहरू पनि हामीहरू सुखै साथमा बिताउनु बिताउँछौँ। र मेरो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई केही छैन, अरू कुरोहरू हामी पिछे गर्दै जाउँला र मेरो तर्फबाट र टिएमसीको तर्फबाट अरू विश्वासको तर्फबाट ममता ब्यानर्जीको तर्फबाट आउने आगामी दिवालीको अगाडि शुभकामना शुभेच्छा दिँदै मेरो पक्षलाई समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। शान्तिका वातावरण सारे जो हमारा है, सारे पहाड़वासी को हम लोग बोलते हैं, हम लोग आगे जाना है, हम लोग को विकास करना है, हम लोग को विकास के लिए आगे जाना है। यहाँ देखता हूँ मीटिंग का चेयरमैन बैठा हुआ है, यहाँ देखता हूँ जीटीए का चेयरमैन बैठा हुआ है, बाद में जीटीए का वाइस चेयरमैन बैठा हुआ है, उसके बाद यहाँ का एमपी बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ का जो एमपी बीजेपी पार्टी जो दो बार यहाँ का वोट लूट करके यहाँ से जीता था, वो क्या काम किया कहाँ है ये बात मैं पूछना चाहता हूँ। क्या काम किया सब लीडर इतना बड़ा बड़ा भाषण देता है, मन की बात बोलता है, लेकिन उसका मन की बात अति का प्यार का बात नहीं है, बाल पत्नी का दुख का बात पूछ रहा है। सब लोग को पूछना चाहिए यहाँ का एमपी कहाँ है, वो क्यों नहीं यहाँ आता है, क्यों नहीं जो दो बार यहाँ से जीता हुआ है बीजेपी पार्टी ने इतना सारे उम्मीद इतना सारे प्रॉमिसेस यहाँ करके दिया था लेकिन एमपी काम नहीं किया। लेकिन देखिए ममता बनर्जी को, उन्होंने कोई प्रॉमिस नहीं किया, उन्होंने कोई आज तक मेरा कोई ना एमएलए है ना एमपी है, जनता से राज्यसभा से किया हुआ है, तभी ममता बनर्जी ने अपना दिल से पूरा पहाड़ को आगे लेके चला है। यही सबसे बड़ा बीजेपी के साथ तृणमूल कांग्रेस का जो डिफरेंस है यही है। ये लोग बातें करता है, ज्यादा बड़ा बड़ा बात करता है लेकिन काम कुछ नहीं करता है, और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस काम करता है, बात भी ज्यादा नहीं करता है। मैं तो अभिनंदन देना चाहता हूँ जीटीए का चेयरमैन को, ये लोग ममता बनर्जी के साथ असल मुंशी पार्टी के चेयरमैन ममता बनर्जी के साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो काम किया है, पार को आगे ले जाने के जो काम चल रहा है, शांति जो यहाँ प्रतिष्ठित हुआ है, इसके लिए मैं इन लोगों सबको सर पहाड़वासी को अभिनंदन देना चाहता हूँ। हम लोग चाह रहे हैं ये लोग आएगा, इलेक्शन आया अभी भी आएगा, हर तरह इलेक्शन आता है, सीट जीतता है, उसके बाद भूल जाता है। वही तो हिंदी गाना था, बहुत हम पहाड़ में बहुत तरह से बोला भी है, बहुत पॉपुलर हुआ था, तुम तो धर्म परदेसी वाला क्या निभाओगे, सुबह बैलगाड़ी से तुम तो चला जाओगे, सुबह बैलगाड़ी आए गरु गाड़ी, तो ये लोग तो गरु गाड़ी में आए तो अलवालिया जी जाता नहीं है, अलवालिया जी तो अभी जेट से जाता है, फ्लाइट से जेट से तो आएगा, आज से जा ही नहीं पड़ेगा, हमें भी नहीं पड़ेगा। अभी हथी का दिल ममता के साथ है, हथी का दिल गरीबों के साथ है, हथी का दिल जीएनएस के साथ है, हम लोग पहाड़ के लिए, हमारा पहाड़ हमारा आदमी, हम लोग ठीक करेंगे, हमारा अच्छाई हमारा भला। शुरू भाषण देने से आके वोट लेके चला गया और काम कुछ नहीं किया, ये आदमी हमको नहीं चाहिए, इसलिए मैं सबको बोलूंगा। अभी देखिए दोनों पार्टी एक हुआ, अभी लोग समझ गए दोनों पार्टी एक हुआ नहीं, आज कभी का जो है उन लोगों का जो फिलोसफी है दर्शन है अलग है, तृणमूल कांग्रेस उसका भी दर्शन अलग है, लेकिन हम लोग एक जगह में एक है, वो है पहाड़।
हम लोग सारे पार्टी होते हैं, बट फिर भी अलग अलग टेंशन हो ही सकता है, उसका अलग अलग फिल्म भी हो ही सकता है, होने दीजिए, उसका पार्टी उसका पक्ष चलेगा, हमारा पार्टी हमारे साथ चलेगा, लेकिन हमारा दो पार्टी का लक्ष्य एक है, पहाड़ को सबसे आगे ले जाना और पहाड़ को शांति पर काम करना, यही दोनों चीज हम लोग चाहते हैं। मैं सबसे प्रीति करूंगा, आइए सब आज विनायक तमन जी, शंकर छेत्री जी, एल बी दाजी जी, अनिल थापा जी, ममता बैनर्जी का नेतृत्व में सबको आगे लेके जाना चाह रहे हैं। आप लोग आइए, ये तो हम लोगों की लक्ष्य है, जो ममता बैनर्जी ने बोला था 10 दिन को हम लोग सीधा लाइन बनाएंगे, वो लक्ष्य में हम लोग फिर रहे और उसको बना के हम लोग दिखाए कि पृथ्वी में कोई आदमी पहाड़ में घूमने आए, भीड़ में जाना चाहे तो वो बोलेगा से यूरोप से हो, अमेरिका से हो, लंडन से हो, जहां से भी हो, भीड़ देखना है तो हम लोग दार्जिलिंग चलेंगे। यही बात हम लोग सबको एक साथ करनी पड़ेगा, एक साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे, एक साथ चलेंगे, पार्टी अलग अलग हो, पार्टी का दर्शन अलग हो, लेकिन लक्ष्य एक हो, विकास विकास और विकास। ममता बनर्जी जो विकास का रास्ता है पार को ले जाने के लिए चाह रहा है, आइए हम लोग सब लोग मिलकर एक साथ ममता बनर्जी के साथ बैठे। ममता बनर्जी सारे विकास घूम घूम के काम कर रहे हैं, हर महीने बाहर में आ रहे हैं, आके अपने लोगों से बात करके पता चल के किसका क्या सुख किसका क्या दुख क्या चाहिए सबके साथ करके ऐसा हो। एज ए मिनिस्टर हमको भी डर मिलता है, चेयरमैन विनायक जी को भी मिलता है, क्यों एक काम नहीं हुआ, हमारा चीफ मिनिस्टर जो बोलता है वो टाइम में काम होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बात किया था एक भी हुआ नहीं, अभी तो उन्होंने कहा है हमको पता भी नहीं है, लेकिन फिर आएंगे फिर भाषण देंगे, लेकिन भाषण में आदेशन नहीं मिलेंगे, हम लोग है काम के लिए चाहे बाहर का भी लोग काम चाहता है, विकास चाहता है, शांति चाहता है, वो एक ही आदमी दे सकता है वह ममता बनर्जी। मैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नीमा में बहन बहना नीमा को बधाई देना चाहता हूँ, जो सबको लेके हम आज किसी का नाम नहीं बोला तो वो बोलेगा हमारा नाम नहीं बोला तो गुस्सा होगा, हम किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो क्रिश्चियन तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, तो नीमा के साथ सारे अभी लोग जुड़ा हुआ है, जो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया सबको बुलाया सबके साथ दिया, हर कम्युनिटी स्पोर्ट्स मैन के लेकर सब कुछ बुला के इतना सुंदर प्रोग्राम दिया, इसलिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।